खबर हो रही है उत्तर प्रदेश से है। एक साथ तीन त्योहारों को सकुशल निपटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कसली कमर। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने भारी फोर्स के साथ किया पैदल गश्त। शहर में ईदगाह और मुख्य चौराहे बाजार तथा भीड़ वाले स्थानों पर किया पैदल गश्त। गश्त के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों को की चेकिंग। सदर कोतवाली क्षेत्र की में किया गया पैदल गश्त। प्राइम मेकिंग न्यूज चलाने के लिए अश्वनी सिंह और उत्तर प्रदेश। ईद के पहले की जो शाम उसके पहले हमने और डीएम साहब द्वारा हम दोनों के द्वारा शहर में गश्त करी गई, पेट्रोलिंग करी गई। साथ ही साथ जो ईदगाह है जहाँ पे कल नमाज़ पढ़ी जाएगी वहाँ पे आके सभी तैयारियों का जायज़ा लिया गया और डीएम साहब द्वारा और हमारे द्वारा पुलिस को साथ ही जो शासन प्रशासन में नगर पालिका और अन्य विभाग उनको बताया गया है सकुशल त्यौहार सम्पन्न कराने के लिए। इसको लेकर के आज शाम हमने गश्त करी और कल की सभी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और सभी तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।